हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल फ्रेंड यूट्यूब चैनल। हम आज डिस्कस करने वाले हैं एनिमेशन मेन्यू को। इससे पहले मैंने होम इंसर्ट डिज़ाइन ट्रांजिशन व्यू को मैंने कंप्लीट बताया था। अब टॉपिक है एनिमेशन मेन्यू का, तो चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं पूरा पूरा। पहले हमें क्या करना होगा, होम मेन्यू पे जाइएगा, ये एमएस पावर पॉइंट है, और न्यू पेज आप ओपन कर लीजिए। यहाँ से आप लेआउट चेंज कर सकते हैं, ब्लैंक कर लीजिए। हमें यहाँ का क्या करना है, हम इंसर्ट पे जाएंगे, क्लिप आर्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। कुछ हमें मूवमेंट करके दिखाना है, आपने से ओपन किया कुछ इमेज, यहाँ से कुछ इमेज मंगा लेंगे, या ये इमेज आपको दिख रहा है, इस पर राइट बटन क्लिक करिए, एडिट पिक्चर करिए, यस करिए। यस करने के बाद यहाँ पर जो बैकग्राउंड वाला इमेज है उसको हटा लीजिए। इसके बाद इस चीज़ को आप सेट कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बैकग्राउंड में जो इमेज दिख रहा है उसको भी हटा दीजिए। हम चाहते हैं कि ये इमेज यहाँ रहे बाहर, तो आप बाहर भी रख सकते हैं। इंसर्ट पे जाइए, कुछ डेकोरेशन आप कर लीजिए, जैसे यहाँ से अपने रोड वगैरह बना लिया। इससे हम बहुत बहुत सारे काम कर सकते हैं यहाँ पे। और हो यहाँ पे फॉर्मेट पे जाइएगा, वेट इसको बढ़ा लीजिए, ब्लैक कर दीजिए। और अगर आप बड़ा करना चाहते हो इसका वेट, तो आप मोर लाइन पे क्लिक करो। यहाँ पे 6 PT है, ठीक है ना, इसको और बढ़ा सकते हो। और यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है आपको लाइनिंग के लिए, आप ओके करो। ठीक है, ये बन जाए, इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दीजिए, इस चीज़ को यहाँ सेट कर दीजिए, यहाँ बना दिया। और एक और पेस्ट कर लीजिएगा, एक यहाँ बना दीजिए, एक और वन मंगाना चाहते हैं वो मंगा लीजिए। इस वन को मैं क्या करना है, हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। यहाँ हमने रख दिया, अब आप देख सकते हो इस चीज़ को थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। इसके बाद हम जाएंगे, इस इमेज पे हमें क्लिक करना है, एनिमेशन मेन्यू पे जाएंगे, यहाँ पे ऐड एनिमेशन लिखा हुआ है, क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन देगा मोर मोशन पाथ। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लेफ्ट एंड राइट के लिए ऑप्शन होगा, डाउन होगा, डायगनली होगा, हमें एक चलाना क्या है, राइट चलाना है, ओके करेंगे। और ये लग गया यहाँ पर एनिमेशन। अब इस इसको क्या करना है, जहाँ तक इसको चलाना चला सकते हैं आप। इसके बाद इसका पेन मंगा लीजिएगा। पेन मंगाने के लिए हम क्या करेंगे, एनिमेशन के साथ यहाँ पे लिखा होगा एनिमेशन पैन, क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन है विथ प्रीवियस कर लीजिएगा। ठीक है, और इसका टाइमिंग वगैरह होगा तो आप टाइमिंग वगैरह भी सेट कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। इसके साथ ही इस पर लगा लीजिए राइट वाला, यहाँ भी कुछ ऑप्शन आपको मिलेंगे, आप यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, या नहीं तो यहाँ पर आप चलीजिए वापस मोशन पाथ पर जाइए। हमें यहाँ पर चाहिए क्या, लेफ्ट चाहिए, और इस पर लेफ्ट लग गया, ओके करेंगे। इस इसको यहाँ हमने सेट कर लिया, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको सेट करेंगे आफ्टर प्रीवियस। ठीक है, आफ्टर प्रीवियस, प्रीवियस का मतलब ये होता है कि पहले ये चले और फिर ये चले। अब आप इसको देखना चाहते हैं तो इसको प्ले कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये एनिमेशन अगर देना चाहते हो, खुद के वॉइस देना चाहते हो यहाँ से, तो आप कर सकते हो। बहुत सारे कार्टून डिज़ाइन कर सकते हो, कार्टून के आवाज़ वगैरह आप सेट कर सकते हो। एक और नया पेज लेते हैं, ब्लैंक ले लिया हमने। अब यहाँ देखो इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे हम, शेप ऑप्शन है, शेप से हम एक 32 स्टार लेते हैं। इस स्टार को अगर डेकोरेट करना हो स्टार जैसा, तो हम फॉर्मेट फील पे जाएंगे, शेप वाले पे, यहाँ पे ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे, ग्रेडियंट पे जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा हमें प्रीसेट, जो भी कलर चाहते हो कलर आप ले लो। एक ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा लाइनियर डिरेडियल पाथ, अगर पाथ चाहिए। देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लगे हुए हैं, आप चाहो तो किसी को भी कलर कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करो। अगर बीच में एलो पॉइंट चाहिए तो एलो पॉइंट भी लगा सकते हो, क्लिक करो। आपको जहाँ जहाँ चाहिए इसका मूवमेंट आप बिल्कुल लगा सकते हो। ठीक है, ये सब आप बनाने के बाद क्या करोगे, इसको स्पिन करना चाहो तो स्पिन कर दो सीधा सा, क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन है, मैं आपको बता दूँ, जब हम ऐड इफेक्ट पे, ऐड एनिमेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिखता है। एक पहला है एंट्रेंस, इसे कहते हैं मोर एंट्रेंस और मोर एम्फेसिस, और तीसरा होता है मोर एग्जिट, और चौथा होता है
इसे कहते हैं एग्जिट, ठीक है ना। इसमें सब मूवमेंट वगैरह है, आप इसको देख सकते हो यहाँ पर। इसमें से जो मूवमेंट लगाना चाहते हो आप बिल्कुल लगा सकते हो। ये ओवल टाइप करेगा, इसमें कलर फिल होके आएगा, लाइनिंग कलर फिल होके आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर बन के आएगा, ठीक है। ये सब क्या है, इसके इफेक्ट हैं। तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी जाननी है जो आपको बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करनी है। जैसे स्पिन है, तो आप यहाँ पे स्पिन देख रहे हो, क्लिक करो, अब इस पर स्पिन लग गया है। तो ये तब तक चलेगा, आप चाहते हो यहाँ पे विथ प्रोग्रेस कर लो, जब तक ये इस पे ये पेज रहे तब तक ये पॉइंटर चले। इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक ऑप्शन होगा टाइमिंग, टाइमिंग पे क्लिक करना है, यहाँ पर रिपीट, और रिपीट में क्या करना है, अनटिल एंड ऑफ स्लाइड क्लिक करिएगा, ओके करिए। इसके बाद क्या करना है, यहाँ से कोई इमेज मंगाना चाहते हो तो इमेज मंगा लो। इसके साथ ही यहाँ पे हम इमेज नहीं मंगाएंगे, हम क्लिप आर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटा सा सिंपल सा हम एनिमेशन बना लेते हैं। यहाँ पे हमने देखो ये चीज़ अगर हम चाहते हैं कि ये व्हील करता हुआ जाए और इसमें अंदर चला जाए, ठीक है, तो चला जाएगा ये आराम से। ये व्हील है, इसमें कोई भी एनिमेशन हम बनाना चाहो तो बना सकते हो, ठीक है ना। और एक और चीज़ समझो, यहाँ पे अब हम क्लिक करेंगे, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है यहाँ पर कस्टम पाथ, ठीक है। तो कस्टम पाथ पर क्लिक करिएगा, इस चीज़ को जैसे भी चाहते हो वैसे मूवमेंट करा सकते हो। ये देखो यहाँ पर चला जाए, ये इसके बैक साइड में जा रहा है। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, इस पर क्लिक करके, बैक साइड नहीं यहाँ पे करना हमें, क्या फॉरवर्ड करना है, फ्रंट। अब इसको प्ले करके देख लेंगे हम, यहाँ पे ऑप्शन था हमारे पास, देखो ये एनिमेशन में जाना, वापस एनिमेशन में जा करके जो हमने अभी लगाया इस पर ऑन क्लिक है ना, तो हमें क्या करना है, इसको पहले आफ्टर प्रोग्रेस करना है और ऊपर वाला को नीचे कर देना है, सॉरी हमें पहले हम चाहते हैं कि स्पिन करे, स्पिन करने के साथ साथ आफ्टर प्रीवियस हो, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझो यहाँ पे, अब इसको प्ले करके देखो एक बार क्या हो रहा है यहाँ पे। समझ में आया मूवमेंट? तो इस तरीके से ना कोई भी मूवमेंट बना सकते हो बहुत ही खूबसूरती के साथ। अब ये देखो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, इस चीज़ को आप जितना चाहो उतना मोड इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे रखना है इसको, रख लो यहाँ पे, अब इसको प्ले करो। समझ में आया? तो इस तरीके से कोई भी मोशन अगर ऐड करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। इसके बाद एक और पेज हम ले लेते हैं। अब मैं आपको पूरा कंप्लीट समझाने वाला हूँ कि यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं। हमें कोई भी एक प्रोग्राम ले सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा 2-3 की क्लास या कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड आपके पास टॉपिक है जो स्टूडेंट लोग पढ़ते हैं, छोटे बच्चे लोग, उस चीज़ का आप एक वीडियो सेशन रेडी कर सकते हो, पढ़ाने का तरीका, बताने का तरीका, ठीक है। जैसे क्या, कार्टून बना लो, कार्टून बनाने के बाद जैसे कि दो लोग बात कर रहे हैं, दो लोगों को बात करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जैसे हमने ये यूज़ किया, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर छोटे बच्चों को समझाना है तो ग्राफिकली इसका वीडियो बना करके समझा सकते हो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक यहाँ पे ये लगा दिया, इसको कॉपी करके पेस्ट कर दो, एक यहाँ पे लगा दो नीचे, इसको मूवमेंट कर लो सेट, ठीक है। जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक इमेज यहाँ लगा दो, जैसे हमने एक इमेज यहाँ लगा दिया। अब इस चीज़ को क्या करो, राइट बटन क्लिक करके इनको एडिट कर लो। हमारे पास इमेज ये है, तो हम इस इमेज को हम यूज़ करेंगे, इसको डिलीट कर दो बैकग्राउंड। अब कलर चाहते हो तो कलर भी इनको कर सकते हो, ठीक है ना। ये सारी फैसिलिटी यहाँ पे एक बार देख लो, मैं दिखाता हूँ, दिख रहा है ना, ओके। अब ये मार्केट जा रही है, ठीक है, तो यहाँ से दो लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे बोल सकते हैं ना, राइट बटन क्लिक करके हेलो। तो यहाँ पे एक व्यक्ति को यहाँ पे बैठा सकते हो, ये इनसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो ग्राफिकली यूज़ कर पाओगे इसको, यानी इसमें खुद का साउंड भी यूज़ करोगे, वो मैं बताऊँगा यहाँ पर स्लाइड शो पर जब मैं बताऊँगा, तो इनको मैं पूरा पूरा डिस्कस करने वाला हूँ। अभी हम देखेंगे एनिमेशन को। अब देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ पर आप सबका इस्तेमाल करोगे, ठीक है। इसमें चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को आपको अच्छे से इस्तेमाल करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होगा कि जो ये देखो ध्यान से, जो टॉपिक आपको पसंद आ गया, मतलब जिससे कुछ अच्छा मूवमेंट हो रहा है, उन टॉपिक को आप लिख लोगे। क्योंकि इससे क्या कर सकते हो ना, कोई भी एनिमेशन बना सकते हो, वीडियो खुद का बना सकते हो, और
जैसे वीडियो सेशन या कार्टून का सेशन है, खुद को खुद का आवाज़ दे सकते हो, ये सब चीज़ें कर सकते हो। तो यहाँ पर हम दे देते हैं छोटा सा डेमो। अब यहाँ पर एक चीज़ मूवमेंट मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर ये सारे फॉन्ट हैं, हम सारे फॉन्ट को अलग अलग कलर कर देते हैं, इससे क्या होगा वो मैं दिखा दूँगा। देखो यहाँ पे मूवमेंट होगा, ठीक है ना, टेक्स्ट के मूवमेंट ऐसे लगेगा जैसे कि आपने देखा होगा वो जो झालर वगैरह लगता है ना, तो उस पर मूवमेंट आपने देखा होगा वो वैसे ही कुछ कलर यहाँ पर होने वाला है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर अलग अलग कलर करना होगा तभी हमें समझ में आएगा। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, अलग अलग कलर ले लेंगे, अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पर जाएंगे एनिमेशन पे वापस, ऐड एनिमेशन करेंगे। देखो जो कलर वाले अगर मूवमेंट कराने हो ना, तो आप यूज़ करो हमेशा मोर एम्फेसिस इफेक्ट, ठीक है। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा पूरा अलग अलग कलर, क्योंकि देखो यहाँ पे क्लिक करो, ये टेक्स्ट रिलेटेड है, स्पिन होगा तो स्पिन कराना हो तो स्पिन यूज़ करो, लाइनिंग कलर है तो ये जो बॉक्स का आउट ऑफ कलर है वो होता है, ट्रांसपेरेंसी वर्ड्स में होता है, बोल्ड फ्लैश होता है, और ब्रशेस का कलर यूज़ होगा ये ब्लैंक कलर कर देगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर, ठीक है, और डार्केन यूज़ कर सकते हो आप। जब इसमें से कोई भी ओके करोगे तो ऑप्शन आपको देगा और भी कॉम्प्लीमेंट्री कलर। सबको आप बारी बारी चेक कर लो कि किस से क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। एक ऑप्शन आता है यहाँ पर, इसमें शो नहीं कर रहा है, देखो ये सीमर इस्तेमाल कर सकते हो, और टेक्स्ट वगैरह मूवमेंट दिखाना चाहते हो ना तो सीमर का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर कोई मान लो से शायरी वगैरह लिख रहे हो, कोई कविता लिख रहे हो, तो इस तरीके से, या स्टोरी कोई लिख रहे हो वीडियो सेशन के माध्यम से, तो आप सीमर का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप यही वर्क 2016 या 2019 में करोगे तो और भी काम अच्छे से होगा। अब देखो यहाँ पर ट्विटर इस्तेमाल कर सकते हो, थोड़ा बहुत सीमर का इस्तेमाल कर सकते हो, ब्लिंक यूज़ हो सकता है, यहाँ पर वैब यूज़ होगा थोड़ा सा मूवमेंट, ठीक है, और सीमर यूज़ कर लो, ओके करो। आप देखो ध्यान से यहाँ पे एक ऑप्शन होता है यहाँ पर मोर इंटरेस्ट इफेक्ट, यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन यूज़ करोगे। जैसे क्रेडिट होता है, क्रेडिट क्या होता है, जब वीडियो का सेशन एंड होता है तो हम क्रेडिट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये दिख रहे हो आप, ओके। एक होता है ड्रॉप, ड्रॉप क्या होता है, ड्रॉप जो ऊपर से जैसे कोई प्रेजेंटेशन हो रहा है, ठीक है, तो आप फर्स्ट पेज पर डेकोरेशन कर सकते हो, ड्रॉप यूज़ कर लो। फ्लिप यूज़ कर सकते हो, फ्लाप क्या, फ्लिप एक साथ आएगा कॉम्बिनेशन के साथ, वाइप को इस्तेमाल कर लो, ठीक है। ये जब हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं ना, प्रेजेंटेशन बना रहे हैं या वीडियो सेशन बना रहे हैं, उसमें टेक्स्ट में दिखाना है तो हम वाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही इसमें से आप राइजअप यूज़ कर लो, राइजअप भी अगर प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो प्रेजेंटेशन में राइजअप का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद जो भी ओके करो तो हमेशा इस बात का ख्याल रखना, यहाँ तीन चीज़ें हैं, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक का अर्थ ये होता है कि आप क्लिक करो तो तब चले, वो जो इस पर मूवमेंट लगाया आपने उस पर आप क्लिक करो तब चले। विथ प्रीवियस का अर्थ ये होता है कि यदि आपने एक ही पेज में कई सारे मूवमेंट लगे, एक यहाँ मूवमेंट लगा है, एक यहाँ पे अलग अलग शेप में लगाया है, तो पहले ये चले, फिर ये चले, फिर ये चले, फिर ये चले, समझ में आया। इसमें एक दिखा देता हूँ आपको, हमने क्या किया, कुछ शेप हम ले लेते हैं यहाँ पे, हमने हर शेप ले लिया और एक और शेप ले लेते हैं। आप ध्यान देना इस चीज़ को, यहाँ पर ये जो कलर है यहाँ पर दिख रहा है आपको, फॉर्मेट पेंटर करिए, हम चाहते हैं कि यही कलर इसमें भी हो जाए और यही कलर इसमें भी हो जाए, मिल गया कलर। अब देखो ध्यान से, हम यूज़ करने वाले हैं कि ये इसमें से पहले टेक्स्ट वाला मूवमेंट करे, फिर ये करे हार्ट शेप, फिर ये वाला मूवमेंट करे। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें क्लिक करना होगा एनिमेशन पर, यहाँ पर ऑप्शन होगा विथ प्रीवियस करें, इस पर क्लिक करेंगे हम, एक मोमेंट हम लगा के देखते हैं, हम स्वीवल का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ यूज़ करिए आफ्टर प्रीवियस, इसमें भी एक ऑप्शन यूज़ करिए जिसे हमने यूज़ कर लिया स्पिन या ग्रोसरिंक, इसको यूज़ करिए कैसा आफ्टर प्रीवियस, इसको प्ले करिए अब, समझ में आया चीज़, ठीक है। तो एक ही पेज पर आप कई सारे मूवमेंट दिखा सकते हो, जैसे होता है ना कि एक 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 एरिया से कोई मूवमेंट कोई एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है,
एक बंदा बोल दे फिर दूसरा बंदा बोले, ठीक है, तो आप इसके लिए क्या करोगे, इस्तेमाल आफ्टर प्रीवियस का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, आपको ये चीज़ क्लियर हो गया। इसके बाद आप देखो यहाँ पर ये प्रीव्यू करने के लिए होता है और यहाँ पे कुछ शॉर्टकट मिल जाता है। जब भी कोई मूवमेंट आप लगाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा इफेक्ट ऑप्शन, कि आप किस टाइप से इफेक्ट दिखाना चाहते हो। आप जैसे यहाँ पे लिए हो तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको शो कर जाएगा। अब इसका जो बेसिक फंडा वो देख लो ध्यान से। अगर आप चाहते हो, ये एनिमेशन पेंटर होता है, इसको शॉर्टकट की होता है ऑल्ट शिफ्ट सी, यानी एक मूवमेंट यहाँ लगा दिया, आप चाहते हो कि यही मूवमेंट कहीं और लगाना, तो आप इनको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हो। इसके साथ ही अगर ये आपने मूवमेंट लगाया है, इसका टाइमिंग देना चाहते हो तो यहाँ से टाइम दे दो, और डिले का भी इस्तेमाल कर सकते हो दो मूवमेंट में, कि एक ही मूवमेंट चल जाए फिर उतना डिले करके दूसरा वाला मूवमेंट चले, तो यहाँ से भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस सेशन में इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें मैं डिस्कस करूँगा कि स्लाइड्स पे कैसे आप कोई भी वीडियो ला करके उसको आप म्यूट करके खुद का आवाज़ सेट करोगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।